पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को एमपी और विधायकों से सामंजस्य बनाकर विकास कार्य करवाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी को जमीन और राजस्व संबंधी मामलों का जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया है और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बैठक में सांसद धर्मेंद्र कश्यप, मेयर उमेश गौतम, विधायक संजीव अग्रवाल, डीसी वर्मा, एमपी आर्य, प्रोफेसर श्याम बिहारी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज जनपद की विकास कार्यों को लेकर, सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं को लेकर और जिले की कानून व्यवस्था को लेकर के आज समीक्षा बैठक हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में, उनकी सहभागिता के साथ, प्रशासनिक सभी अधिकारियों की उपस्थिति में, उनके द्वारा सब यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। सारे विषयों पर एक एक बिंदु पर गहन चर्चा के उपरांत तमाम निर्णय और दिशा निर्देश किए गए हैं और प्रयास ये किया गया है कि हर बिंदु पर माननीय जनप्रतिनिधियों की राय का भी पूरा सम्मान रखते हुए जो जो समस्याएं आई हैं उनके निस्तारण के लिए प्राथमिकता पर दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ सरकार की योजनाओं पर काफ़ी गहनता से एक एक योजना पर चर्चा होने का काम हुआ है और उसके बाद जो जनपद बरेली के विकास के लिए, जनपद बरेली की कानून व्यवस्था के लिए और क्या बेहतरी हो सकती है उसके लिए भी हम सब लोगों ने बैठकर चर्चा करने का काम किया है। एक 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 जी देखिए, देवरिया की घटना जो राजस्व के लेकर हुई उस पर सरकार बहुत गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर बहुत गंभीर हैं और उसी गंभीरता का परिणाम है कि संबंधित तमाम अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम किया गया है। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसके लिए भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। कल हमारे मुख्य सचिव के द्वारा पूरे प्रदेश के समस्त मंडल आयुक्तों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम को बैठक करके उसमें भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने का काम किया गया है। कठोरतम तरीके से वो मानक, वो दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है जो पूर्व से राजस्व संहिता में विद्यमान है। सब समय ऐसे मामलों का निस्तारण हो जो अपेक्षित है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विस्तृत रूप से कल दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज यहाँ बैठक में भी उस विषय पर चर्चा हुई है। बरेली के सभी अधिकारियों को भी, खास रूप से हमारे जिलाधिकारी जी के द्वारा भी, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस में कल थे तो उनको विस्तार से यहाँ बताने का काम किया गया है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की स्थितियाँ पूरे प्रदेश में और खासकर बरेली में किसी भी दशा में न हो सकें। लोगों को सब समय अपने विरासत के मामले, उत्तराधिकार के मामले, दाखिल कार्य के मामले या इस तरह के निर्विवाद जो मामले हैं उसको समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए आप सबके संज्ञान में लाना आवश्यक है कि सरकार के द्वारा हर तहसील में एसडीएम के साथ साथ एक एसडीएम न्याय की पोस्टिंग करने का काम किया गया है। साथ ही साथ तहसीलदार के साथ साथ एक तहसीलदार न्यायिक भी पोस्ट करने का काम किया गया है ताकि राजस्व के विषयक मामले शीघ्र और समयबद्ध तरीके से निस्तारित हो सकें और इसमें उत्तरदायित्व तो दायित्व निर्धारण का भी अब काम किया जाएगा ताकि समय पर लोगों को पारदर्शिता के साथ न्याय उनका निस्तारण संभव हो सके।